हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज अनुराधा। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला DIY, और ये DIY बनाने में आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लेते हैं और इस कार्डबोर्ड को हम इस फ्लावर के शेप में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा हम फ्लावर कट किए हैं, इसको हम यहाँ पर निशान कर लिए हैं। और निशान करने के बाद हम इसका यहाँ पर कटिंग करके यहाँ 5 पीस हम यहाँ पर कटिंग करके अलग कर दिए हैं। और इसके बाद हम लेते हैं न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर को हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिए हैं और इसको अलग कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें आप चाहे तो पेंट ब्रश, पतला वाला जो ब्रश होता है, उसको भी लगा के आप इसमें रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल करके हम यहाँ पे ढेरों सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम शेप कटिंग किए हुए थे, उस शेप को हम यहाँ फेविकॉल लगाएंगे। और इसके बाद ये जो हम स्टिक में कट कर रहे हैं, ये कुछ तिरछा कट करेंगे, जो सारे स्टिक में तिरछा ही कट हो। और इसके बाद इसमें हम फेविकॉल लगाए हैं, और कुछ इस तरह से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार हम इसमें इसको स्टिक करते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम इन सारे पेपर स्टिक से हम इसको कवर कर देंगे। और फिर उस साइड भी हम इस पेपर स्टिक को इसी शेप में यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम हम ऐसे ही इसको लगाना शुरू करेंगे और तिरछा ही लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ऐसा पाँचों कार्डबोर्ड में हम इसी प्रकार से बना के इसको अलग कर दिए हैं। अब इसके बाद इसका जितना भी वेस्ट पेपर स्टिक निकला हुआ था, इसको हम कैंची से काट करके इसी शेप में इसको कैंची से काट करके अलग कर देंगे। तो देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा लुक आया है। और इसी तरह हम पांचों में करेंगे, पांचों जो भी फ्लावर है सब में कर देंगे, सेम ऐसा ही लुक आएगा सब में। देख सकते हैं आप जैसे हम यहाँ पर कट करके अलग किए हुए हैं। तो अब बारी आती है इसको पेंट करने की। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रीन कलर, और इस ग्रीन कलर से हम इस सारे पेपर पे कवर कर, इस ग्रीन कलर को पूरे पेपर पे हम इसको कर देंगे। तो यहाँ फाइनल ऑलमोस्ट मेरा यहाँ कलर कंप्लीट हो रहा है। अब हम दूसरा भी लेंगे, और दूसरा पे भी हम रेड कलर करेंगे। और इसी तरह हम ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, हम सब कलर इसमें करके रख देंगे। और इस सूखने के लिए इसको हम रख देंगे कुछ देर, 5-10 मिनट, इसके बाद सूख जाता है। तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसा लुक आया है। और अब हम लेते हैं यहाँ पे कार्डबोर्ड, और ये जो पतली वाले स्ट्रिप्स देख रहे हैं कार्डबोर्ड की, हम सेम इसी साइज़ के स्ट्रिप्स हम कट करके अलग कर देंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर मोटा कार्डबोर्ड हो वो भी यूज आप कर सकते हैं, वो सिंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पतला कार्डबोर्ड है, तो इसीलिए कुछ मजबूती के लिए हम इस पतले कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक फेविकॉल से इसको अटैच कर देंगे। आप चाहे तो मोटा वाला कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फिर या लकड़ी जो होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था, तो हम मैंने इसी का सोचा यूज़ कर लेते हैं हम। उसके बाद हम इस कार्डबोर्ड पे ब्राउन कलर करेंगे, जो काफ़ी वुडन लुक आ रहा है इसका, देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक रस्सी लेंगे, रस्सी नहीं धागा भी बोल सकते हैं, ये मोटा धागा है। और इसके बाद हाइट अकॉर्डिंग मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे हाइट इसका रखा हुआ है, और इसी हाइट अकॉर्डिंग हम इस रस्सी को यहाँ पे कट करके अलग करते जाएंगे। और हम ऐसा 5 रस्सी कट करके अलग करेंगे, बड़ा छोटा कर के हाइट अकॉर्डिंग हम इसको अलग करके यहाँ रख दिए हैं। और इसके बाद हम इसको इसमें नॉट कर देंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। और इसी तरह हम मेरा यहाँ पर पूरा लगभग यहाँ पर बांध करके हम अलग कर रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें धागा निकला था इसको हम कट करके भी अलग कर दिए हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये रस्सी लगा हुआ है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस रस्सी को इसमें लगाएंगे, तो हम यहाँ फेविक्विक लगा रहे हैं, और फेविकॉल भी लगा सकते हैं, फेविक्विक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फेविक्विक फेविकॉल दोनों लगा के यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से अटैच करते जाएंगे। हाइट अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको अटैच करके अलग कर दिए, सब कुछ सेट कर दिए हैं। और इसके बाद जो रस्सी के बीच में जो गैपिंग था, हम इसको भी इसमें भी मिरर लगा के इसका खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं। आप इसको चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं इस पर कोई दूसरे कलर से, लेकिन मिरर हम यहाँ पे लगा दिए। और इसके बाद हम इसमें डबल टेप लगा के और इसको हम दीवार पर स्टिक कर दिए हैं। तो देख सकते हैं ये है इसका फाइनल लुक।
मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये बहुत कम बजट में भी बन सकता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने ये बालकोनी में लगाया हुआ है। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कुछ नए DIY के साथ जो कम बजट में और बहुत ही आसानी से बन सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।